आप यही एडवाइस वफाकी हुकूमत को दें कि अपने वादे पूरे करें। आप जो $1500 की एडवाइस आपने हमें अभी दी, आप अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस करें, आप सिंध के लिए बात करें, सिंध के पानी के लिए बात करें, आप सिंध के लोगों के हकूक के लिए बात करें, आप सिंध में गैस की लोड शेडिंग के लिए बात करें। ये सबका मसला है, पानी पूरे कराची में, पूरे सिंध में सबका मसला है। वहाँ पर कोई सियासत नहीं होती, वहाँ पर मैडम आप कंक्लूड कर लें प्लीज। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आप कंक्लूड कर लें। मैडम चलो इसको कंक्लूड करते हैं, बहुत से दोस्तों को तकलीफ हो रही है और बहुत ज़्यादा। तो मैडम लेकिन उनकी स्पीच होगी तो उस हवाले से भी आप इनको रोकें। हम लोग चार चार घंटे यहाँ पर स्पीच सुनते हैं, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इनकी आप देखें सच इनको बर्दाश्त नहीं। ये सिंध के आवाम के, सिंध के हकूक के लिए कोई बात नहीं करते, ये सिर्फ थर की बात करते हैं, लेकिन थर का जो गंदों में अफगानिस्तान को देते हैं, ये कोई बात, कोई सिंध के हकूक के लिए सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं यहाँ पर और कोई बात ही नहीं करते। मौजू कोई और होता है उसको किधर और ले जाते हैं। आपने अपनी स्पीच कर ली। बहरहाल ये सरकार रेलवे के हवाले से इसको बनना चाहिए, ये मुल्क के बेहतर। आप आपस में बात नहीं करें। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं बनना चाहिए, केसीआर को बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एमपीए साहब बैठे हैं, शायद उनको अपने जो हल्के के लोग हैं उनसे मोहब्बत नहीं, ये चाहते हैं कि उनके घर गिर जाएं। हम उनके लिए ही बात कर रहे हैं। मोहम्मदी कॉलोनी ये शाहनवाज के भी हल्के में आता है, दो वार्ड इसके हैं, दो वार्ड मेरे हैं। जो वहाँ पर जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उनको कंपनसेट किया जाए। सरकार रेलवे बनना चाहिए और 60 फुट का स्पेस मौजूद है, उसको 140 से कम कराएं और इसको कम से कम करके लोगों को कंपनसेट करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाउ अरसलान साहब।